नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मुंबई के खड्डे। आप लोग सोचते होंगे कि सरकार नए नए नियम बनाती है, ड्राइवर ने कुछ भी गलती की, चाहे गाड़ी का पेपर कम हो या फिर रास्ते में किसी ड्राइवर ने सिग्नल जंपिंग कर दिया गलती से या कहीं गाड़ी पार्किंग कर दिया, तुरंत 5 गुना 10 गुना फाइन मार देते हैं। मतलब उनके लिए कोई रूल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मुंबई में रास्तों में इतने खड्डे हैं, गाड़ियों की हालत क्या हो जाती है, आप सोचिए। आप देखते रहिए ये खड्डे कितने खतरनाक खड्डे हैं। इसमें मान लीजिए गाड़ियों का तो नुकसान होता ही है। कोई मोटरसाइकिल वाला अगर गाड़ी चलाते चलाते उसका गाड़ी टायर उसका स्लिप हो गया, कहीं खड्डों में गिर गया, तो कितना बड़ा घटना घट सकता है। आप आए दिन देखते होंगे कई जगह मोटरसाइकिल वाले बाइक वाले ये खड्डों में गाड़ियाँ उनकी पलट जाती है और पीछे से कोई बड़ा ट्रक आता है उनको कुचल देता है। ऐसे बहुत सारे हादसे हम लोग सुनते हैं। लेकिन देखिए ये खड्डों का, इस खड्डों का कौन जिम्मेदार है? इसका कोई जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है। पर सरकार खड्डा छोड़ दिया है लोगों को मरने के लिए। जब कोई मर गया खड्डों में गिर के, तो सरकार उस पर कुछ 1-2 लाख रुपये उसको मुआवजा दे देगा। मतलब आदमी के जान की कीमत यही 1-2 लाख रुपया है। जिस तरह ड्राइवरों पे कानून बनाया जाता है कि ड्राइवर ने गलती की, गाड़ी के पेपर ओके नहीं है, तो उनको 5-10 गुना फाइन मारा जाता है, उसी तरह से ये जो खराब रास्ते बनाते हैं कि खड्डे इतने पड़ जाते हैं ना, तो इन सब रोड कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत हैवी फाइन मारना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। अगर कहीं किसी रोड पे कोई गाड़ी वाले गिर के किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो उसके मर्डर का इल्ज़ाम उस रोड कॉन्ट्रैक्टर पर लगना चाहिए। उस रोड कॉन्ट्रैक्टर को सज़ा मिलना चाहिए, उसको जेल हो जाना चाहिए। तभी इसकी सुनवाई होगी, तभी इसका इंसाफ होगा, तभी रोड कॉन्ट्रैक्टर सुधरेंगे और रोड को अच्छा बनाएंगे। मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहता हूँ, हालांकि मैं उस लायक नहीं हूँ कि हम जैसे छोटे लोग मोदी जी को सलाह दे सकें, वो बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन कम से कम एक ऐसा वेबसाइट निकाले, एक ऐसा ईमेल आईडी दे दे, ऐसा एक कुछ तो ऐसा पब्लिक के लिए बनाया जाए जहाँ पब्लिक कंप्लेंट कर सके इस खराब रोड का। और ख़राब रोड का कंप्लेंट करेंगे तो तुरंत 24 घंटे में 48 घंटे में ये रोड बनने चाहिए। और रोड अगर नहीं बना, रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ, तो ऐसे पर उनको कानूनी सज़ा लगना चाहिए, उनको फाइन लगना चाहिए। ऐसा कोई रास्ता बनना चाहिए, ऐसा सोचता हूँ मैं। तो मोदी जी तक अगर ये बात पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा कि ऐसा कुछ सभी पब्लिक के लिए एक ऐसा सहायता केंद्र बनाया जाए। याद कीजिए एक मूवी थी जिसमें अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कैसा बनाया था, रोड पे उन्होंने एक बॉक्स लगा दिया था, पब्लिक को भी अपना तकलीफ है उस डब्बे में अपना कमेंट लिख के डाल दीजिए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस तरह से हमारे मोदी जी को भी ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि हर आम आदमी उस अपनी शिकायत डाल के उस डब्बे में डाल दे और उस शिकायत का पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। और अगर सुनवाई 1-2 दिन में ना हो तो उस विभाग पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इस पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। ठीक है भाइयों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, शायद मेरी राय आपकी राय से अलग हो सकती है।